तो की हाल चाल दोस्तों, नेपाल टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गाइस आज नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स का आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेला गया, जहां नीदरलैंड्स की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। इस क्रूशल मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। नेपाल की शुरुआत खराब रही और आशिफ शेख शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद कुशाल भुरटेल और भीम शर्की ने नेपाल की इनिंग्स को संभाला, जहां पहले 10 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 2 फोर ही लगाए थे, जहां नेपाल का स्कोर था 23 रन 10 ओवर्स के बाद। 11वें 12वें और 13वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन स्कोर किए, पर 14वें ओवर में कुशाल भुरटेल 27 रन बनाकर आउट हो गए। नेपाल का तीसरा विकेट 54 रनों पर गिरा, जहां आरिफ शेख 6 रनों पर पवेलियन लौट गए। नेपाल की मुश्किलें और बढ़ गई, जहां नेपाल का चौथा विकेट 65 रनों पर गिरा, जहां भीम शर्की 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कैप्टन रोहित पौड़ेल और कुशाल मल्ला ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जहां 20वें ओवर में कुशाल मल्ला ने 1 सिक्स लगाया, वहीं 22वें ओवर में रोहित पौड़ेल ने 1 फोर लगाया, पर 24वें ओवर में कुशाल मल्ला 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 29वें ओवर में नेपाल ने अपने 100 रन पूरे किए, जहां 30वें ओवर में रोहित पौड़ेल ने 1 सिक्स और 1 फोर लगाया, पर 32वें ओवर में रोहित पौड़ेल भी 33 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं 34वें ओवर में दीपेंद्र सिंह भी 14 रनों पर पवेलियन लौट गए, जहां नेपाल का स्कोर था 123 रन 7 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर्स के बाद। इसके बाद गुलशन झा और संदीप लैमचेने के बीच छोटी सी 32 रनों की पार्टनरशिप हुई, जहां नेपाल का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। जब नेपाल का स्कोर 155 रन था, तब गुलशन झा 15 रन बनाकर आउट हो गए, और जब नेपाल का स्कोर 157 रन था, तब क्रीज पर नवे आए करण केसी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद संदीप लैमचेने ने 41वें ओवर में 2 फोर लगाए, जहां नेपाल का स्कोर था 167 रन 9 विकेट के नुकसान पर 44 ओवर्स के बाद। 45वें ओवर में नेपाल की टीम 167 रनों पर ऑल आउट हो गई। 168 रनों का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी रही, जहां मैक्स ओडो और विक्रम सिंह ने पहले विकेट के लिए 86 रनों की पार्टनरशिप की, वो भी सिर्फ 78 गेंदों में, जहां आउट होने से पहले विक्रम सिंह ने बनाए 30 रन 43 गेंदों में। नीदरलैंड का दूसरा विकेट 96 रनों पर गिरा, जहां क्रीज पर नवे आए बरेसी 3 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ से मैक्स ओडो ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जहां मैक्स ओडो 62 रनों पर नाबाद थे, जहां अगले 35 ओवर में नीदरलैंड्स को सिर्फ 70 रनों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, आईसीसी क्वालिफायर्स के सुपर सिक्स में कौन सी 6 टीमें पहुंचेंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।